शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला उर्फ सिद्धू मूसेवाला की माँ चरण कौर अपने नव जन्मे बच्चे को लेकर गांव मूसा पहुंच गई हैं। इस दौरान हवेली पर सैकड़ों लोग जुटे और जश्न का माहौल बन गया। दरअसल दिवंगत पंजाबी गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला का छोटा भाई जन्म ले चुका है। जैसे ये खबर लोगों को पता चली थी, तब से लोग बोल रहे थे कि सिद्धू इज बैक। अब मूसेवाला की मां चरण कौर अपने नवजन्मे बच्चे को लेकर गांव मूसा में मौजूद अपने घर पर पहुंच गई हैं। उनके गृह प्रवेश पर हवेली में जमकर जश्न भी हुआ है। इस दौरान गांव की महिलाओं ने गिद्दा तो पुरुषों ने भंगड़ा किया, जबकि घर पहुंचने से पहले परिवार तख्त श्री दमदमा साहिब पर भी नतमस्तक हुआ, जहां उन्हें सिरोपा भी भेंट किया गया। इसके अलावा गांव में घर पहुंचने से पहले बच्चों को सिद्धू मूसेवाला के स्मारक पर भी ले जाया गया और माथा टिकवाया गया। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला की मां चरण कौर ने करीब एक हफ्ते पहले IVF तकनीक से बठिंडा के जिंदल अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया था। तब से लेकर शनिवार की सुबह तक चरण कौर अपने बच्चे समेत बठिंडा के इस अस्पताल में दाखिल थीं। दोपहर को अस्पताल की ओर से उन्हें छुट्टी दे दी गई, जिसके बाद सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह अपनी पत्नी चरण कौर और बच्चों को लेकर अपने गांव के लिए रवाना हुए। लेकिन सीधे अपने गांव जाने की बजाय वो पहले तख्त श्री दमदमा साहिब पर नतमस्तक हुए, जहां पर तख्त साहिब की तरफ से बच्चों को सिरोपा भी भेंट किया गया। तख्त श्री दमदमा साहिब माथा टेकने के बाद वो अपने गांव मूसा पहुंचे। घर पहुंचने से पहले सिद्धू मूसेवाला की स्मारक पर बच्चों का माथा टिकवाया गया, जबकि घर पर रिश्तेदारों की तरफ से हवेली के गेट पर रिबन लगा हुआ था। बलकौर सिंह की ओर से पहले रिबन काटा गया और उसके बाद बच्चों को लेकर घर के अंदर प्रवेश किया गया। इस दौरान महिलाओं ने गिद्दा और युवाओं ने भंगड़ा डालकर नन्हे मूसा का स्वागत किया। इसके बाद भी जश्न चलता रहा। इस मौके पर बड़ी गिनती में लोग मौजूद थे।